किसान साथियों, अभी मैं कुछ दिन पहले जो टूर पर गया था तो मैं CCRI नागपुर भी गया था। वहाँ मुझे एक वैज्ञानिक मिले, डॉक्टर R.K. सोनकर। जब उनके हम एलिमो पर बात कर रहे थे तो मैंने एक फोटो देखा तो मैंने पूछा ये क्या है, वो क्या चीज़ है। आज मैं आपको उसके लिए बताता हूँ और उसका एक प्रयोग भी कर रहा हूँ जिसका रिजल्ट मैं एक महीने बाद आपको दिखाऊंगा। किसान साथियों, ये मेरे अनार के पेड़ हैं 2.5 वर्ष के, जिनसे मैं अब की बार अंबिया बाहर की फसल लूंगा। आप देखिए इनमें ये नीचे सूट की कितनी प्रॉब्लम होती है। आप कितनी भी हटाइए, हर महीने हम हटाते हैं इनको, रोज तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी सूट आती रहती है। हमारी सूट लगभग 2 फीट तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक तना इसमें रखते हैं, 2 तने रखते हैं तो भी नहीं आनी चाहिए। आइए मैं आपको इस प्रयोग के बारे में बताता हूं। जितनी भी ये सूट हैं आपकी, इन सबको हटा दीजिए। हटाओ, बिल्कुल हटा, नीचे बिल्कुल कट कर दीजिए अपने कटर से। हाथ से भी आप इसको कुछ हटा सकते हैं इस प्रकार, लेकिन ये पूरी तरह नहीं हटेंगी, तो इसलिए कटर का सहारा या आपको खुरपी का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल हटा दीजिए, नीचे तक, थोड़ी नीचे तक भी। ये भी लीजिए और ये वाली जो नीचे की हैं इनको भी हटा दीजिए। ये देखिए हमने ये यहाँ पर तक साफ कर लिया, हमने ये साफ कर लिया। आप 3 ग्राम प्रति लीटर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका घोल बनाकर इसकी जड़ में डाल सकते हैं। डाल दीजिए, ये हमने डाल दिया तो नीचे कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, चूंकि हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक घोल बनाएंगे और इस तने पर यहाँ पर लगा देंगे। इस पर लगभग 1 फीट तक आप बोर्डो पेस्ट कर दीजिए। ऊपर तक करो, किसान साथियों ये देखिए, ये एक पाइप है 2 इंच का। इसे हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि हमारी सूट से हमें एक निजात मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी लंबाई आपको इतनी रखनी है, जैसे यहाँ जड़ से ये इसके तने से करीब 1.5 इंच नीचे जाएगा और ये ऊपर तक रहेगा, तो इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, जहाँ से जहाँ तक आपको कोई भी शाखा नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें एक चीरा लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए इसमें एक यहाँ पर ये चीरा लगाएंगे यहाँ पर और इसको कट कर लेंगे। इस पाइप को हम इस तने में लगा देंगे, देखिए किस प्रकार, ये लगा दीजिए और इसको थोड़ा सा बस थोड़ा सा नीचे ज़मीन में कर दीजिए और इसको यहाँ पकड़ कर थोड़ी मिट्टी से इसको। हम एक माह तक इस चीज़ को देखेंगे। आज मैं अपने पौधों में ये कार्य करा रहा हूँ, सूट हटाने का मेरा कार्यक्रम था तो मैंने 2 पौधों में ये लगवाया है और इसका रिजल्ट मैं आपको 1 माह के बाद दिखाऊंगा। किसान साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना विश्वास डॉक्टर सोनकर को था उन्होंने दिखाया कि ये प्रयोग बिल्कुल कामयाब होगा। लेकिन जब भी मैं कोई भी बात बताता हूं तो आप उस तकनीक को पूर्णतः मत अपनाइए, आप उसका एक छोटा प्रयोग अवश्य कर देखिए। ये कई बातों पर निर्भर करता है कि आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोई दवाई का प्रयोग करना है, खाद का करना है, कटिंग का करना है, कि आपके यहाँ की जलवायु, आपके यहाँ के पौधे की उम्र, बहुत कुछ चीज़ में फर्क पड़ सकता है। हो सकता है मेरे समझाने में कोई गलती रह गई है, इससे कुछ किसानों को नुकसान भी हो सकता है, 1-2 को
जिन्होंने मुझे बताया हुआ भी है, लेकिन बहुत किसान ऐसे हैं जिन्हें बहुत फायदा भी हुआ है। तो पहले एक छोटा सा प्रयोग अवश्य कर देखें। ये जो तकनीक है ये आप अनार में भी कर सकते हैं, मैंने अनार में की है, आप नींबू में भी कर सकते हैं, आप अमरूद में भी कर सकते हैं, जो भी ग्राफ्ट वाले पौधे होते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि ये एक इंच के करीब नीचे मिट्टी में रहे, तो जितना भी ऊंचाई हो उतना पाइप आप लगा दीजिए और फिर देखिए। किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी बड़ी देसी जुगाड़ जो कि CCRI के वैज्ञानिक ने मुझे बताया और मैंने आपके लिए बताया, और मैंने दो पौधों में किया भी है। रिजल्ट मैं एक माह बाद दिखाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।